नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े। आज मैं आपसे इसलिए बात करना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा उत्तराखंड में एक धर्म संसद हुई, तथाकथित धर्म संसद। ये कौन से धर्म की संसद है मुझे पता नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म कभी कट्टरता नहीं सिखाता, ये हिंदुत्ववादी कट्टरता सिखाते हैं। देखो, मैंने पहले भी बोला कि छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू थे, मगर उनका राज्याभिषेक को नकारने वाले हिंदुत्ववादी थे। विद्या की देवता हमारी सावित्री माई जो थी वो हिंदू थी, मगर उसके ऊपर कीचड़ उछालने वाले, उसको पत्थर मारने वाले हिंदुत्ववादी थे। ये हिंदुत्ववादी हमारे नहीं हैं, और ये हिंदुत्ववादियों का जो सम्मेलन था इसको हिंदू धर्म संगमेलन वगैरह क्या क्या बोल के, और उसमें सब महापुरुषों को गाली देने का काम और फरसे का ट्रेनिंग और किस तरीके का ट्रेनिंग देने का काम अभी किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को लिखना पड़ा। एक सुप्रीम कोर्ट को कई वकीलों ने और कई माजी न्यायाधीशों ने उनको लिखा, क्यों भाई सुमोटो क्यों नहीं हुआ? जब हमारे यहाँ कोई कॉमेडी में सरकास्टिक कमेंट्स कर देता है, किसी के ऊपर कमेंट्स कर देता है, नेता के ऊपर कर देता है, धर्म के ऊपर भी कर देता है, तो उसके ऊपर सुमोटो एक्शन हो जाता है, उसको तुरंत UAPA लगाया जाता है। और ये ऐसे नफरती चिंटुओं को खुली छूट कौन देता है? तो ये खुली छूट देने वाला, ये नफरती चिंटू नीचे जो बोलते हैं उसका रिमोट कंट्रोल कहीं ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, इसलिए उनको पकड़ा नहीं जाता। और ये कभी गांधी को गोली मारते हैं, कभी जो संविधान है उसकी प्रतियां जलाते हैं, कभी संविधान की प्रतियां फाड़ते हैं, और ऐसा करने के बाद भी ये लोग इस देश में जेल के बाहर रह जाते हैं। ये कौन लोग हैं? ये संविधान से ऊपर है? ये देश के कानून से ऊपर है? ऐसे ये लोग, ये RSS की पैदाइश है, ये ट्रेनिंग ही देते हेट क्या करने का, विरोध करने का, लड़ाने का ट्रेनिंग ही इनका ट्रेनिंग है। एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि गौ हमारी माता है, भाई हमारे सब किसानों की माता है, हम कब डिनाई करते हैं, मगर हम माता है इसका मतलब हम बैल से पैदा हुए नहीं हैं, हम जानवरों की औलाद नहीं है, आप हो सकते हो। और आप जो लोग माता बोलते हो जिस गाय को, अरे अपनी खुद की माँ को आप वृद्धाश्रम भेजते हो तो गाय को कहाँ रखोगे आप? हम तो उसके इतना सम्मान करते हैं क्योंकि उपयोगी पशु है वो, और उसका इतना सम्मान करते हैं कि अगर बारिश में बच्चा दिया गाय ने तो हमारे घर में जगह हो ना हो हम उस बच्चे को अपने घर में रखते, अपने साथ रखते, अपने पास रखते हैं, इतना सम्मान करते हैं। और आप माता बोलने वाले फ्रॉड और पाखंडी लोग, ये देश 7 सालों में आपको पता है गौमांस के निर्यात में नंबर एक है। ऐसी कौन सी माता है तुम्हारी कि उसको काट के उसका मांस बेचते हो आप लोग, और फिर उसको माता बोलने का किसको प्रयास करते हो? आपने वहां जाके जो पूरी नौटंकी किया, 56 कैमरा ले जाके 56 इंची पेट वाला एक आदमी वहां जाके पूरा फोटो सेशन करता है बनारस में जाके, भाई अगर शिव का मंदिर बनाया था, कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, तो क्या इस देश के सारे शंकराचार्य चले गए, उनको बर्खास्त किया गया, मर गए, उस देश के बाहर भेज दिया? क्यों नहीं दिखा एक भी शंकराचार्य वहां? राम मंदिर का उद्घाटन भी आप ही करोगे, शैव पंथियों का भी उद्घाटन आप करोगे, वैष्णव पंथियों का भी उद्घाटन आप करोगे, और संसद का भी आप जो नया ताजमहल बना रहे हो, नया मोदी महल बना रहे हो, उसका भी उद्घाटन बिना किसी को बुलाए आप करोगे। ये वन मैन शो कब तक चलेगा? और ये वन मैन शो आपको बुद्धि होती तब मान भी जाते हम, आपको ना तो अर्थशास्त्र समझता है, ना समाजशास्त्र समझा है, ना आपको भौगोलिक शास्त्र समझा है, ना विदेश नीति समझी है, सारे नीतियों में आप फिसड्डी हो। आपने रेल से लेके, गेल से लेके, भेल से लेके सब कुछ बेच दिया, और फिर पूछते हो कि 70 साल में कांग्रेस ने या पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया? तो आप जो बेच रहे हो प्रॉपर्टी दामोदर दास मोदी जी की नहीं है, ये प्रॉपर्टी पूर्ववर्ती सरकारों ने ही बनाई है, इस देश के मेहनतकश लोगों ने बनाई हुई प्रॉपर्टियां है, वो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो और फिर से पूछ रहे हो कि 70 साल में क्या बेचने के लिए आप पूछ रहे हो, कि कुछ भूल तो नहीं गए, कुछ रह तो नहीं गया बेचने का, इसलिए पूछते हो? आप बोलते हो लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए, कृषि बिल लाया कोई संवाद नहीं, कृषि बिल हटाया कोई संवाद नहीं, नोटबंदी लाया कोई संवाद नहीं, GST में 7 स्टेप लाया कोई संवाद नहीं, जिससे महंगाई इतनी बढ़ गई, और महंगाई वस्तुओं की कमी की वजह से नहीं बढ़ रही है मोदी जी,
आपने जो टैक्स की भरमार की है उसकी वजह से बढ़ रही है। अभी पता है भक्तों को मैं बताना चाहता हूँ कि 1,000 के नीचे के कपड़े जूते से लेके हर चीज़ जो आप उपयोग करते हो उसका GST 5% से लेके 12% तक हो गया, और ये महंगाई बढ़ाएगा हर चीज़। पेट्रोल डीजल में आपने हद कर दी, हर चीज़ में आपने हद कर दी, और उसके बाद भी आप राष्ट्र के गौरवगान की बात करते हो, राष्ट्र के गौरव की बात करते हो। मोदी जी मुझे बताइए कि आपके जो स्वामी जी है सुब्रमण्यम स्वामी, आपके रक्षा मंत्री, आपके बाकी के लोग जो बोलते हैं कि चाइना ने अरुणाचल में भी घर बना लिया, गांव बसा लिया, और लेह लद्दाख में भी गांव बसा लिया, और आप कहते हो क्लीन चिट देके कि ना कोई आया था ना कोई आएगा, ना किसी को हटना है ना किसी को हटाएंगे, तो ये चाइना को क्लीन चिट देने के क्या आपने उसमें भी कुछ ले लिया है, उसमें भी आपने रिश्वत खाई है? मुझे तो शंका है, क्योंकि आपके जैसा जो राष्ट्रभक्त का तमगा लेके घूमता है वो चाइना से ऐसा कुछ करेगा, मगर परिस्थिति ये बताती है कि चाइना से भी आपने कुछ ना कुछ समझौता ऐसा कर लिया है कि आप चाइना को भी क्लीन चिट देते जा रहे हो। क्या मामला है? समझ जाइए मोदी जी, ये देश बहुत मेहनत से बना है, बहुत लोगों की कुर्बानियों से बना है। आपके जो खाकी हाफ पैंट वाले, इन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी थी, आपके किसी आदमी ने कोई कुर्बानी नहीं दी थी। वो कहीं चैनल पे बैठ के कोई कोई नाम ले रहा था, भैया जितने सरसंघ चालक थे उसमें से कोई भी आदमी किसी स्वतंत्रता लड़ाई में नहीं था। इवन सुभाष चंद्र बोस से भी मिलने से मना करने वाले आपके लोग मुख्य जो RSS के जो चीफ थे वो बने हैं, क्योंकि मिलने से भी जिनको डर लगता था कि इनसे अगर मिल लिया तो अंग्रेजों की रॉन्ग लिस्ट में आ जाएंगे, ऐसे लोग आपके महान लोग थे। आपके महान लोगों में जो गिनती किया जाए तो माफीवीर से लेके कौन कौन क्या क्या लोग आपके पैदा हुए हैं, आपने जितनी फौज पाली है वो 377 के ही काबिल है। आपके सावरकर नाथू हराम हो, या तो फिर वो जो यहाँ अभी के जो मंत्री थे उत्तर प्रदेश के कि जिनको हटाया आपने, ये सब 377 के आरोपी हैं, और ये सब के सब लोग आपके आदर्श है। कुछ जगह इसको मार दो उसको मार दो, अरे भैया हत्यारों की पूजा करने वाला देश कभी बड़ा नहीं होता। आज भी 380 दिन का आंदोलन, किसानों ने आपको नाको चने चबवा दिया, आपने उसमें जूते भी खाए और प्याज भी खाए, आपको आपका कानून वापस लेना पड़ा। उसका कारण है गांधी का सत्याग्रह, जो सत्याग्रह का हथियार उन्होंने हमको दिया था उस हथियार से किसानों ने आपको रगड़ दिया नीचे, और फिर भी आपका एक मंत्री आके यहाँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोलता है कि दोबारा हम प्रयास करेंगे। दो बार आप पराजित हो चुके हो किसानों से, एक बार लैंड एक्विजिशन एक्ट में पराजित हो चुके हो, आपने जो वहाँ घालमेल किया था उसमें आपके पराजय हुआ है, और दूसरा ये किसान बिल में, काले कृषि कानूनों में आपका पराजय हुआ है। अब और तीसरे बार पराजय आपको देखना है, और इस देश से समूल नष्ट करना है आपकी प्रजाति को, तो जरूर छेड़खानी कर दीजिएगा हमसे, अदरवाइज समझ जाइए। ये धर्म संसदों के जो आपके नफरती चिंटू है इनको कंट्रोल करिए, क्योंकि आप अगर कंट्रोल नहीं करोगे और फिर कंट्रोल करने के लिए जब बाहर हम लोग हथियार लेके या हम लोग आवेश में बाहर पड़ेंगे तो आपके 2-4% लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। ये जितने भी नफरती होंगे सब अपने दड़बे में घुस जाएंगे। और मैं इन भक्तों से आग्रह करता हूँ कि देखो किसान लड़ रहा था जब ये बैंक वालों के लड़के, और बैंक वाले उन किसानों को खालिस्तानी, नक्सलवादी, आतंकवादी, मवाली क्या क्या बोल रहे थे, अब बैंक वाले भी रो रहे हैं। सबका नंबर आएगा भाई, जिस तरीके का कुशासन चल रहा है देश में, जिस तरीके के आर्थिक हमारा सेटबैक चल रहा है, उस तरीके से आपको बता देता हूँ कि हमारा रोजगार क्षमता सोमालिया से मात्र थोड़ी सी ज़्यादा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हम कहीं पीछे है। हमारे यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, और रोजगार न मिलने के कारण हमारे यहाँ का जो गुनाह वाला फिगर है, जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट है, क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट है, उसमें ये कहते हैं कि जितने गुनाह हो रहे हैं उसमें से 50% गुनाह नए लड़के कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाथ को काम नहीं है, और पेट में अगर अनाज नहीं हो तो आदमी कोई भी गुनाह बहुत सही
बहुत ही आसानी से कर देता है, उससे गुनाह करवाना और उसके लिए गुनाह करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। जो आज महलों में छुपे बैठे हैं, जो आप अपने घरों में छुपे बैठे हैं, जो इसको डिनाय करते हैं या आँख मूंद लेते हैं या उसके बारे में मौन है, कल उनकी बारी आएगी, उनका कमाया हुआ पैसा भी उनको अपने घर में सुख से खाने का इस देश में कोई काम नहीं होगा, कोई सहूलियत नहीं होगी। इतनी लूटपाट इस देश में मचेगी और उस लूटपाट से अगर बचना है तो आज आवाज़ उठाइए। अगर आज आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपको ये बता देता हूँ कि इस देश में सुषमा स्वराज जी ने 2013 में बोला था कि इस देश में गरीबी रेखा से नीचे 27% लोग नहीं है, क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि 27% लोग है, सुषमा जी बोल रही थी कि 31% से ज़्यादा है, मगर उस मोदी जी ने बता दिया कि 85 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे है। ये आप कोरोना पे दोष मत दीजिए, ये सारा रोजगार ख़त्म होना, ये ख़त्म होना, नोटबंदी का आपका जो स्टेप था, आपके जो स्टेप होते हैं वो गजब के होते हैं। आपको भी समझते हैं कि नहीं समझते पता नहीं, क्योंकि आपने बोला था इससे काला धन समाप्त होगा, कुछ नहीं हुआ। इसने बोला था आतंकवाद समाप्त होगा, कुछ नहीं हुआ। नक्सलवाद समाप्त होगा, कुछ नहीं हुआ। सारे क्राइम समाप्त हो गए, कुछ नहीं हुआ। आप क्या दांत खाद खुजली मिटाने के लिए किए थे नोटबंदी, अब तो वो भी नहीं बता सकते आप, क्योंकि आपकी तो दांत खाद खुजली भी नहीं मिटी, आपके लोगों की भी वो भी नहीं मिटी है। तो एक बात समझ लीजिए कि देश चलाना ये अलग बात है, ऊंचाई पर पहुंचना अलग बात है, और ऊंचाई पर टिके रहना दूसरी बात है। आपके सारे मीटिंग्स फेल होने लग गए हैं, उत्तर प्रदेश में भी आपने सारी जगह फेल्योर किया है, जज लोग भी अब आपके ऊपर कमेंट्स करने लग गए हैं। अलाहाबाद हाईकोर्ट का जज कहते हैं कि अब इलेक्शन आगे ढकेलना चाहिए मोदी जी, उनको पता है कि इलेक्शन कमीशन के बस की बात नहीं है, सारे निर्णय मोदी जी आप वहीं बैठ के ले रहे हो। देश को बचाइए, आपने 10 लाख करोड़ रुपये उद्योगपतियों के माफ़ कर दिए, मगर आपको पता है 11,000 जो बिचौलिए होते हैं, जो एजेंट होते हैं, जो डीलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ये 4 लाख है हमारे देश में, वो सारे बेरोजगार होने की कगार पर आके खड़े हुए हैं। 11,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली है, अभी तक किसान आत्महत्या कर रहा था, अब उद्योग करने वाले भी, व्यापार करने वाले भी आत्महत्या करने लग गए। ये आत्महत्या करने वाले कब हत्या पर उतारू हो जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा, और फिर देश अनार्की में चला जाएगा। वहाँ चाहते हो आप, क्योंकि आपके किताबों में ही जो प्रामाणिक किताबें हैं, बंच ऑफ थॉट्स और वी फाइंड अवर नेशनहुड में लिखा है कि जब तक इस देश की 95% जनता अर्थहीन नहीं हो जाती है, हैंड टू माउथ नहीं हो जाती, जब तक यहाँ कट्टर हिंदुत्व नहीं आ सकता। हमें नहीं चाहिए ऐसा विध्वंसकारी हिंदुत्व और ऐसा विध्वंसकारी धर्म। ऐसा धर्म किस काम का कि जो आदमियों की, इंसानों की हत्या करे, और आप कहते हो कि मुसलमान ऐसा करते, मुसलमान वैसे करते। भाई छोड़ दीजिए यार, 750 साल जिस दिल्ली पर मुसलमानों का राज था, उसके आसपास के 95-95% गांव आज भी हिंदुओं के है, वहाँ रह के वो कुछ नहीं कर सके। और 2014 के बाद आप बता रहे हो कि इतने दिन में ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुसलमान हमसे बढ़ जाएगा। जरा स्टैटिस्टिक पर आइए, जनसंख्या की स्टैटिस्टिक ये कहती है कि अब मुसलमानों का जो वृद्धि दर है वो 0.48% है। इस वृद्धि दर से तो 1,000 साल भी वो हमारे बराबरी में नहीं आ सकते। कौन सा डर बता रहे हो आप हमें, कौन सा इतिहास बता रहे हो आप हमें? वो मंदिर जो है बनारस का, काशी विश्वनाथ का मंदिर, वो औरंगजेब ने नहीं तोड़ा था, दुनिया का अकेला ऐसा मंदिर मस्जिद है वहाँ, जिसका नाम हिंदू राजा के नाम से है, वो था महाराजा ज्ञान सिंह, और उसका इतिहास मैं कभी और बताऊंगा आपको। उस इतिहास को जानने की ज़रूरत है, जो इतिहास ये छुपा के रखते हैं उसकी ज़रूरत है। क्या औरंगजेब ने धार्मिक राज्य स्थापित करने का प्रयास किया? जरूर किया था, और इसीलिए औरंगजेब के पास में कौन मुग़ल बादशाह हुआ किसी को पता नहीं, क्योंकि इस देश में धार्मिक राज्य नहीं आते। इस देश में धार्मिक राज्य किसी ने कट्टरता फैलाने का प्रयास किया, कुछ दिन तो सह लेते हैं लोग, बाद में उसको ऐसा उठाकर फेंकते हैं कि उसका नामो निशान नहीं पता चलता। यहाँ अशोक का नाम पता है आपको, बाकी राजाओं के नाम कितने पता है आपको? यहाँ शिवाजी महाराज का नाम पता है आपको, उसके बाद के और उसके पहले के कितने राजाओं के नाम पता है आपको? क्योंकि ये देश बुद्ध, महावीर, गांधी का देश है, बाबा साहब अम्बेडकर का देश है। ये देश किसी अहरे गहरे नत्थु खैरे का नहीं है, और हिंसा की पूजा करने वाले
और हिंसक लोगों का ये देश बहुत नहीं है। ये गारंटी के साथ बोलता हूँ कि हिंसा का ये देश पूजा नहीं करता। जो लोग हिंसा की पूजा करते हैं उनको गेट आउट बोलने का दिन आ गया, उनको आपको भगाने का दिन आ गया और ये जल्द होने वाला है। उस वक्त आप कहाँ जाओगे, आपके जो सहयोगी और भक्त होंगे वो कहाँ जाएंगे, ये जगह ढूंढे। नमस्कार।